इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर हमें आईफोन में इस तरीके से इशू आता है, फाइंड माई अनअवेलेबल टू कनेक्ट टू सर्वर, प्लीज़ ट्राई अगेन लेटर। जब हम स्टार्ट शेयरिंग लोकेशन करते हैं तब ये यहाँ पर इशू आता है। तो हमें फाइंड माई में क्या करना चाहिए जब ये चलने लगे, इस तरीके का इशू नहीं हो? क्योंकि हमारा जो आईफोन में जो है फाइंड माई नहीं चल पाता है इस सिचुएशन में जब ये इशू आता है। तो ध्यान रखिए, इसमें हमें कुछ चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। सबसे पहले आप सेटिंग्स में जाइए अपने आईफोन की, एंड यहाँ पर जो है अपडेट करते रहिए अपने आईफोन को, ठीक है? ज़रूरी है अपडेट करना, वरना फीचर्स चलने बंद हो जाते हैं। और जर्नल में जाकर एक चीज़ और करिएगा कि यहाँ पर डेट एंड टाइम पर जाइएगा, ठीक है? डेट एंड टाइम पर जाने के बाद सेट ऑटोमेटिकली पर टिक कर दीजिएगा। यहाँ पर ये ज़रूरी है सेट ऑटोमेटिकली पर क्लिक करना। तो ये अगर आप करे रखेंगे तो बहुत बेहतर रहेगा। उसके बाद यहाँ से बैक ला दीजिए और डाउन डिटेक्टर साइट को खोल लीजिए, ठीक है? यहाँ पर सर्च करिए ब्राउज़र पर जाकर डाउन डिटेक्टर, और ये वाली साइट खोल लीजिए आप, ठीक है? और खोलने के बाद यहाँ पर सर्च कर दीजिए आईफोन, ठीक है? आईफोन या एप्पल सर्च कर दीजिए, एप्पल, ठीक है? सर्च जब करेंगे तो इसकी सारी एप्लीकेशंस आ जाएंगी। ये ध्यान रखिए कि इस पर जो है हमारा फाइंड माई भी अगर होगा, इस पर ज़रूर होगा, तो उस पर एक्टिविटी ज़्यादा तो नहीं है, ठीक है? बाकी ये एक दफ़ा अपने फ़ोन को बंद करके ज़रूर खोल लीजिएगा। इंटरनेट वगैरह को प्रॉपर रन करके रखिएगा, तब आपकी ये प्रॉब्लम नहीं आएगी इस पर। बाकी अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा।